नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। एटा पुलिस लाइन में शहीद इंस्पेक्टर को अंतिम सलामी दी गई। जब रक्षक ही नहीं है सुरक्षित तो जनता क्या होगी सुरक्षित। इंस्पेक्टर के बेटे अभिषेक ने कहा, हिंदू मुस्लिम के विवाद में गई है मेरे पापा की जान, अगला नंबर किसके पता का है। चार गिरफ्तार, मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक फरार। इंस्पेक्टर की पत्नी बोली, पति को मिलती थी धमकियां। बुलंदशहर में हुए बवाल का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, एक बड़ा सवाल। बुलंदशहर में हुए बवाल में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार 1998 बैच के इंस्पेक्टर थे। यहाँ पर उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। 2016 में अचनेरा थाने में, आगरा शहर के अचनेरा थाने में भी रहे थे सुबोध कुमार, जिसके बाद उनका मथुरा भी ट्रांसफर कर दिया गया था। मथुरा के बाद सीधे बुलंदशहर उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर उनको सयाना थाने की कमान संभालने को दी गई एसएसपी द्वारा। यहां पर उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। सुबोध कुमार जी के पिताजी ट्रेन में हुई बदमाशों से मुठभेड़ मैं शहीद हुए थे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। सियाना में गौ हत्या के शक में हुई हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज फरार है। पुलिस की 6 टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही है। वीडियो फुटेज व सर्वेलांस से बाकी आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में मुख्य सचिव व डीजीपी से जवाब तलब किया है। ये मामला यूपी के बुलंदशहर का है। यहाँ पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पशु काटने की सूचना मिली और गौकसी की बात को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। यहाँ पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार इस घटना में शहीद हो गए। अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस बड़ी घटना के ऊपर मास्टरमाइंड कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर बाप और बेटा दोनों शहीद हुए हैं। सुबोध कुमार जी के पिता भी पुलिस से थे। यहाँ पर उनकी एक ट्रेन में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी जिसमें शहीद हो गए थे, और काफी कार्यकाल अच्छा रहा सुबोध कुमार जी का। पशु काटने के शक में बुलंदशहर में बवाल, फायरिंग में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। सुबोध कुमार सिंह ने कुछ माह पहले ही बुलंदशहर जिले के सियाना कोतवाली के तौर पर एसएसपी कृष्ण बहादुर सिंह ने तैनाती दी थी। अभी कुछ माह पहले ही इनकी मां का भी निधन हो गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दादरी के बहुत चर्चित विषहरा कांड के भी शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जाँच अधिकारी रहे थे। अखलाक हत्या कांड के समय गौतम बुद्ध नगर के चार थाना के प्रभारी भी सुबोध कुमार रहे थे। चार आरोपी गिरफ्तार हैं। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है बजरंग दल का जिला संयोजक है जो अभी फरार है। आखिर किसका मास्टरमाइंड है जो इस तरह के एक बड़ा बवाल हुआ है? आखिर कौन है इसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड जिसने इतना बड़ा बवाल किया और यहाँ पर एक इतनी बड़ी साजिश रची गई है? यहाँ पर शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने बताया कि उनको रोजाना धमकियां भी मिलती थी, और पहले सूत्रों अनुसार बताया जा रहा है कि अपने अंदाज में एक अलग दबंग टाइप के थे सुबोध कुमार जी। यहाँ पर उनको सिंगम के नाम से पुकारा जाता था। काफी अच्छा कार्यकाल रहा है सुबोध कुमार जी का। बुलंदशहर में हुए बड़े बवाल से ये सवालिया निशान उठते हैं सरकार पर।